देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.6 में जो है आपका, मैं बता दूं आपको, ये जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं इनसे पहले हमारे लिए क्या बेटर होगा कि हम इसके एग्जांपल्स कर लें। ठीक है, तो एग्जांपल्स कराने से पहले मैं आपको इसकी छोटी सी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बता देता हूँ। बच्चों, ये मैंने आपको कराया था फर्स्ट वीडियो में, ये फॉर्मूला मैं आपको करा चुका हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। ये आता था आपका किसके लिए? और के लिए, या आता था आपका किसके लिए? एटलीस्ट के लिए, है ना, दोनों में से कोई एक। इसी तरह ये आता था आपका एंड के लिए, या फिर किसके लिए? आपका बोथ के लिए। किसके लिए बच्चों? आपका बोथ के लिए, है ना, किसी का भी यूज़ हो सकता है। इंटरसेक्शन का यूज़ होता था एंड और बोथ के लिए, यानी दोनों के लिए, और यूनियन का यूज़ होता था आपका एटलीस्ट के लिए। दूसरा मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि जो ये यूनियन वाली वैल्यू होती है ना, तो ये n यूनिवर्सल से छोटी होती है या इसके इक्वल भी होती है ना, अलग अलग कंडीशंस में आपकी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों कि अगर कभी आपको n a इंटरसेक्शन b डैश निकालना पड़ जाए, यानी कि क्या आपका, आपसे कहा जाए a और b सपोज दो ड्रिंक हैं, और आपसे कहा जाए कि वह पर्सन बताइए जो a तो लेते हैं लेकिन b नहीं लेते, तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला होता है आपका बच्चों n a माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें से बोथ वाला माइनस कर देते हैं, इसी के पैरेलल अगर देखा जाए तो इसका क्या होगा आपका, तो जिस पर नोट नहीं है यानी बी पर नहीं है ना, तो बी में से क्या माइनस करेंगे हम? बोथ वाला माइनस कर देंगे बच्चों। तो ये तो इसके मैंने फॉर्मूले बता दिए आपके, अब मैं आपका एग्जाम्पल्स पर ले चलता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23 में आपको क्या दे रखा है? If x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x union y में कितने elements हैं आपके? 50, x has 28 elements, और x में कितने elements हैं आपके? 28, and y has 32 elements, y में 32 elements हैं, how many elements does x intersection y have? तो x intersection y में कितने elements होंगे आपको ये बताना है। तो बच्चों देखिए मैंने क्या किया, इसमें आपका जो यूनियन की वैल्यू दे रखी है 50 है, एन एक्स की वैल्यू आपकी 28, एन वाई की वैल्यू आपकी 32, और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आपसे पूछी है उसने। तो आपने क्या किया, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। आप ध्यान से देखिएगा, चाहे आपका इंटरसेक्शन ले लीजिए यहाँ पर, या चाहे इसको ले लीजिए, अगर ये इधर आएगा प्लस और ये उधर जाएगा माइनस, तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन इस फॉर्मूले में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब देखिए, एन एक्स की वैल्यू आपकी 28 है, एन वाई की वैल्यू आपकी 32 है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ आपसे एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू आपकी 50 है, अब ये 28 और 32 कितना हो गया आपका? 60, और माइनस 50, 60 माइनस 50 कितना आंसर आया हमारा? 10 आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 24, इन आ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स Who teach mathematics or physics? Total teachers कितने available हैं? 20, जो कि क्या पढ़ाते हैं? या तो mathematics पढ़ाते हैं या physics पढ़ाते हैं। और देखिए, of these, इनमें से 12 teach mathematics, 12 जो है mathematics पढ़ाते हैं, 4 teach both physics and mathematics, और 4 ऐसे teachers हैं जो दोनों subjects पढ़ाते हैं। तो how many teach physics? तो आपसे पूछा है physics वाले कितने होंगे, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, इस कंडीशन में आपको सिर्फ मैं एक बार बता रहा हूँ, आपको खुद लिखना है हर क्वेश्चन में, लेट एम डिनोट दी सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, है ना, एम मैथमेटिक्स वालों को शो कर रहा है और पी फिजिक्स वालों को शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉपी में। तो देखिए बच्चों, एन एम यूनियन पी, यानी उसने कहा था ना कि 20 और वो कुछ ना कुछ तो पढ़ाई लेते हैं दोनों में से, तो ये आपका यूनियन हो गया। मैथमेटिक्स वाले उसने 12 दिए थे और बहुत सब्जेक्ट्स वाले 4 दिए थे, और पूछा कौन सा आपसे? फिजिक्स वाला। तो वही चार चीज़ों में आपका फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिए, एम यूनियन पी, एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। इसकी वैल्यू आपने रखी कितनी? 20, इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, इसकी वैल्यू माइनस 4, 12 में से माइनस 4 गया कितना बचा? 8, और ये 8 अभी इधर जाकर माइनस हो गया 20 में से, तो एन पी कितना है आपका? 12 आया, बिल्कुल ईजिएस्ट वे में हो गया। अब देखिए आप इसमें एग्जाम्पल नंबर 25 बच्चों, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, टोटल क्लास कितने स्टूडेंट्स की आपकी? 35, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं,
जबकि 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 16 आपका क्या खेलना पसंद करते हैं? फुटबॉल। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, और कम से कम हर एक स्टूडेंट दो में से एक गेम तो खेलता है, यानी 35 जो हुआ आपका ये यूनियन हो गया, यूनिवर्सल नहीं हुआ, ठीक है, या ये कह सकते हैं आपके यूनिवर्सली यूनियन हो गया आपका। स्टार्टिंग में तो टोटल दिए थे ना, तो टोटल का मतलब क्या होता है आपका? यूनिवर्सल होता है आपका। बट उसने कहा कि हर एक इन 35 में से हर एक नए गेम तो खेलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों आपका? यही आपका यूनियन भी हो गया। अब आपसे उसने पूछे हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले फुट, क्या आपका बहुत क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो देखिए इसको कॉपी में देखिए बच्चों कितनी आसानी से हो जाएगा। क्रिकेट वाले 24 है, फुटबॉल वाले 16 है, और यूनिवर्सली यूनियन सेट है आपका, तो ये कितना है आपका 35। और आपसे पूछा इंटरसेक्शन, तो देखिएगा इंटरसेक्शन का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी यूनियन एफ, एन सी की वैल्यू 24, एन एफ की वैल्यू 16, इसकी वैल्यू आपकी 35, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने तो कितना है 40, और ये माइनस 35, 40 माइनस 35 5 आपका आंसर आ गया। अब देखिएगा आप इसमें बच्चों कौन सा एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं आपका, एग्जांपल नंबर कौन सा है आपका 26, तो 26 में देखिए इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में टोटल 400 स्टूडेंट्स पर सर्वे किया गया, तो ये आपका यूनिवर्सल हो गया, एन यू इज इक्वल टू 400। अभी 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, क्या 100 उसमें से एप्पल जूस लेते हैं, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 150 उसमें से ऑरेंज जूस लेते हैं, एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, और 75 दोनों जूस लेते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछे आपसे, ना ही वो एप्पल जूस लेते हो ना ही वो ऑरेंज जूस लेते हो। तो बच्चों देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, एन यूनिवर्सल आपको कितना दे रखा है 400, एन ए आपका कितना है 100, एन ओ यानी ऑरेंज जूस वाले कितने हैं 150, और बोथ वाले कितने आपके यानी इंटरसेक्शन 75। और आपसे उसने पूछा है बच्चों की एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ना ही ए लेता हो ना ही बी लेता हो, तो आपने क्या किया इसमें देखिए, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को आपने क्या लिखा बच्चों, एन ए यूनियन बी का होल डैश लिख लिया, ये डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लिख सकते थे, है ना, अगर अलग अलग में इंटरसेक्शन है तो होल में क्या होगा यूनियन। अब आप ये देखिए, अब ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे आप, इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, तो आप देखिए ये यूनिवर्सल की वैल्यू और माइनस इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर मैंने ओ की जगह बी लिख दिया बच्चों, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, ये जो ओ ओ लिखा है ना मैंने, ओ की जगह यहाँ पर बी लिखा गया आपका जो प्रैक्टिस में होता है, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देख लीजिए, और चाहे तो आप इसको हर जगह ओ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना बच्चों, ये जहाँ भी आपका आपने ओ कर दिया इसको, जहाँ भी आपका लिखा हुआ है आपने सब में क्या लिख दिया, ओ लिख दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसकी वैल्यू आपकी 400 है, माइनस इसकी वैल्यू 100, इसकी 150, इसकी 75। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो कितना है 250, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचा 175। अब ये 400 में से आपका 175 माइनस किया जाएगा तो कितना बचेगा 225। तो ये 225 वे स्टूडेंट्स हैं जो ना ही एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। बच्चों देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल नंबर 27। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 200 इंडिविजुअल्स को क्या हो गया आपका स्किन डिसऑर्डर है, 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1, 120 को केमिकल C1 के थ्रू हुआ है, 52 केमिकल C2, 52 को एक्सपोज हुआ है किसके C2 से, एंड 32 बोथ द केमिकल्स C1 एंड C2, और बोथ वाले कितने आपके 30 हैं बच्चों। तो देखा आपने, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू, अब ये तीन अलग अलग पूछे आपसे, तो इन तीनों को मैं लिख लेता हूँ। ये देखिएगा बच्चों इसमें क्या आपका एन यू यूनिवर्सल आपको दे रखा है कितना 200, एन C1 आपका 120, एन C2 आपका 50, एन C1 इंटरसेक्शन C2 आपका 30। आपसे उसने फर्स्ट में पूछा है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, तो केमिकल C1 तो हो लेकिन बच्चों C2 नहीं हो नॉट, तो आप क्या करेंगे इसमें, ये भी कह सकता था ओनली C1, ओनली C1 के लिए भी यही आपकी लैंग्वेज आती, तो आप देखिए एन C1 माइनस एन C1 इंटरसेक्शन C2,
जिस पर नोट नहीं होता उसमें से बोथ वाला माइनस करते हैं यानी इंटरसेक्शन, तो इसकी वैल्यू 120, इसकी वैल्यू 30, 120 माइनस 30 कितना आ गया 90। बिल्कुल इसी के टाइप का आपका सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट में देखिएगा, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, तो यहाँ पर क्या आपका C1 ना हो C2 हो, तो इस बार C2 में से मैंने किसको माइनस कर दिया, बोथ को। C2 की वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 30, 50 माइनस 30 कितना है 20। और थर्ड और लास्ट में पूछा आपसे इसने केमिकल C1 और केमिकल C2, तो केमिकल C1 और केमिकल C2 का मतलब हुआ और का मतलब आपका यूनियन, यूनियन पूछा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, NC1 की वैल्यू लिखी NC2 की और इसकी। अब आप देख सकते हैं इसमें से ये गया कितना बचा आपका 20, और 20 को इसमें प्लस कर दिया तो 140 आपका। ये आपके एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसमें दे रखा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स such that nx is equals to 17 and y is equals to आपका 23 है and nx union y is equals to 38, nx intersection y आपसे पूछा है उसने, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन है आपका। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ x एंड y आर टू सेट्स such that x union y has 18 एलिमेंट्स, x union y में 18 एलिमेंट्स है बच्चों आपके, x has 8 elements, x में 8 elements है and y has 15 elements, और y में कितने elements है आपके 15, how many elements does x intersection y, तो x intersection y में पूछा है। ये भी आपका homework हो गया है बच्चों, ये भी मैंने आपको अभी examples कराए हैं, दोनों आपके ये क्या हो गए आपके homework हो गए बच्चों, आप देख लीजिएगा। अब आप देखिए third question में आपको करा रहा हूँ, in a group of 400 people 250 can speak Hindi एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, ये 250 आपके हिंदी बोल सकते हैं और 200 इंग्लिश बोल सकते हैं, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या पूछा है, बोथ वाला पूछा है। तो आप देखिएगा बच्चों क्या दे रखा है आपको, है ना, ध्यान से देखिए कॉपी में। तो देखिए बच्चों फर्स्ट और सेकेंड तो मैंने आपको ये होमवर्क में दे दिए, थर्ड में आपको बता रहा हूँ कि एंड यू आपको दे रखा है उसने 400, NH आपको 250, NE आपको 200 और पूछा क्या है बोथ वाला, बोथ वाले का मतलब वो आपका इंटरसेक्शन पूछा है। अब जब बच्चों उसने इसके बारे में कुछ नहीं दिया तो हम ये मान लेंगे कि 400 के 400 में से दोनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज तो वो बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो इसको मैंने क्या लेट कर लिया, यूनियन को, वो सॉरी यूनिवर्सल सेट को यूनियन लेट कर लिया। अब आप देखिएगा ये निकालना है ना आपने, तो इसका सिंपल फॉर्मूला लगा दिया NH प्लस NE माइनस NH यूनियन ई, तो क्या है आपका इसकी वैल्यू 250, इसकी वैल्यू 200, इसकी वैल्यू 400, इन दोनों को प्लस किया तो कितना है 450 और माइनस 400 किया तो कितना आ गया आपका 50 आ गया बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, टी हैज 32 एलिमेंट्स एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों, एस में इतने हैं, टी में इतने हैं और इनके इंटरसेक्शन में आपके इतने हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैव, तो आप देखिए इसको, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, एस इतना दे रखा है, टी इतना दे रखा है, एस इंटरसेक्शन टी आपको इतने दे रखे हैं और यूनियन वाला आपसे पूछा है, तो यूनियन वाला सिंपल फॉर्मूला होता है आपका एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी, ये वैल्यू आपने रखी 21, ये 32 और ये माइनस का 11। अब आप देख लीजिए आप इसमें से 21 में से 11 गया 10, 10 और 32 कितना आपका 42 आ गया आपका। अब देखिएगा बच्चों कौन सा पांचवा क्वेश्चन आपका, पांचवे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है उसने, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट्स, एक्स हैज 40 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई हैज 60 एलिमेंट्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 10 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज वाई हैव, कि y में कितने एलिमेंट्स होंगे आपसे ये पूछा है बच्चों। अब देखिएगा बच्चों nx आपको कितना दे रखा है 40, nx यूनियन y आपको दे रखा है 60, nx इंटरसेक्शन y आपको दे रखा है 10, ny आपसे उसने पूछा है, nx यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y, तो आप देखिए इसकी वैल्यू 60 हो गई, इसकी वैल्यू 40, ये आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू 10 हो गई, ये 40 में से 10 गया 30 और 30 उधर जाके माइनस होगा 60 में से तो 30 आ गया, तो एन वाई की वैल्यू आपकी सिंपल 30 आ गई। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, टोटल कितने 70,
37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, और कम से कम ये 70 के 70 में से एक ना एक को तो पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल ही आपका क्या हो गया, यूनियन हो गया। और पूछा क्या आपसे, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, बोथ का मतलब आपका इंटरसेक्शन आपसे पूछा है। तो आप इसमें देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में एन यूनिवर्सल आपको 70 दिया, एन सी आपको 37, एन टी आपको 52। फिर आपने आगे पढ़ा तो आपको पता चला कि यूनिवर्सली यूनियन है आपका इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसने कहा कि हर एक जो है वो किसी ना किसी को तो लाइक करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये 70 आपने क्या ले लिया, यूनियन। और पूछा क्या आपसे उसने इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला आपने सिंपली अप्लाई किया बच्चों, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी, आपने ये वैल्यू लिखी 37, ये वैल्यू लिखी 52 और ये आपकी 70। अब इन दोनों को आपने प्लस किया तो 89 और माइनस ये 70, इसमें से इसको माइनस किया तो 19 आपका आंसर आ गया बच्चों। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान से देखिएगा। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल के ग्रुप में 40 लाइक क्रिकेट, ये तो एन यूनिवर्सल हो गया आपका और ये आपका एन सी हो गया, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ये बोथ का हो गया बच्चों, ये बोथ का मतलब क्या हुआ आपका, एन सी और इंटरसेक्शन टी। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, ओनली टेनिस को लाइक करने वाले कितने होंगे एंड नॉट क्रिकेट, है ना बच्चों, और हाउ मैनी लाइक टेनिस। देखिए दोनों की लैंग्वेज में फ़र्क है, यहाँ तो उसने कहा हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, कि वह पर्सन बताइए जो कि क्या टेनिस को पसंद करते हो लेकिन क्रिकेट को ना करते हो, और यहाँ लिखा है सिर्फ हाउ मैनी लाइक टेनिस, इससे मतलब नहीं है कि वो क्रिकेट को करते हो या नहीं करते हो। तो आप देखिएगा बच्चों इसको, तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, एन यूनिवर्सल आपको 65 दिया है, एन सी आपको 40 दिया है, एन सी इंटरसेक्शन टी आपको 10 दिया है, और पूछा है आपसे टेनिस ओनली, टेनिस ओनली का मतलब होगा आपका टेनिस तो हो लेकिन क्रिकेट ना हो, और फिर पूछा आपसे टेनिस, तो टेनिस में मतलब सीधा एन टी निकालना है आपने। तो अब आप देखिएगा बच्चों इसमें, और जो ये यूनिवर्सल सेट दिया है तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कि वही आपका यूनियन भी है, क्योंकि आगे उसने कुछ दिया ही नहीं है, तो यही आपका टोटल ही आपका क्या हो गया, यूनियन हो गया आपका 65। अब आप आगे देखिएगा, एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी यू यूनियन सी। अब आप देखिए इसकी वैल्यू आपने 10 लिखी, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं, इसकी वैल्यू आपने कितनी लिखी 40, इसकी वैल्यू आपने कितनी लिखी 65। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों 65 में से ये 40 गया तो माइनस का 25 बचे, माइनस का 25 ज़्यादा के प्लस हो गया तो कितना है आपका 35, तो एन टी आपका कितना है 35। अब आप देखिएगा ध्यान से, एन टी अगर आपका 35 आ रहा है तो आपसे एन टी पूछा था ये कौन सा हो, टेनिस वाले, टेनिस वाले कितने आपके 35, लेकिन अगर कहे ओनली टेनिस तो ओनली टेनिस आपको कैसे निकालना होगा आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, तो ओनली टेनिस आएगा एन टी इंटरसेक्शन सी नॉट, यानी एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, टी में से क्या माइनस कर दीजिए इंटरसेक्शन, तो 35 माइनस 10 कितना है आपका 25, तो ये 25 वे है जो किसको लाइक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेनिस को, क्रिकेट को नहीं करते। अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है ना, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 50 आपके पीपल वो 50 आपके क्या बोल सकते हैं, फ्रेंच बोल सकते हैं, 20 स्पीक स्पेनिश और 20 स्पेनिश बोल सकते हैं एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, यानी इंटरसेक्शन दे रखा है आपको, और आपसे पूछा गया है हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, दो में से कोई सी एक कम से कम बोलने वाली कितने पर्सन होंगे, तो एटलीस्ट का मीनिंग मैंने आपको बता रखा है यूनियन होता है। आप देखिए आंसर, देखिए स्टूडेंट्स एन एफ आपको कितना दे रखा है, फ्रेंच वाले 50 हैं और स्पेनिश वाले 20 हैं और दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने 10 हैं, और आपसे पूछा एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलने वाली, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, यूनियन पूछा आपसे, तो आपने F यूनियन S का फॉर्मूला लगा दिया, NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S, इसमें NF की वैल्यू रखी 50 और NS की वैल्यू रखी 20 और NF इंटरसेक्शन S की वैल्यू रखी कितनी आपने 10। अब आप देखिए 50 और 20 कितना 70, 70 माइनस 10 कितना आपका 60, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से। अब आप इसको कीजिए, इसके बाद मैं आपको मिसलेनियस कराता हूँ बच्चों विद एग्जाम्पल्स।